आप जहाँ भी बैठते, खड़े होते और जो भी छूते हैं उसमें याददाश्त होती है और हर समय आदान प्रदान होता है, तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो मजबूरी भरी प्रक्रिया है फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये पाप है वो पाप है, सवाल ये है कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। सद्गुरु, कोई व्यक्ति एक रिश्ते में किसी के लिए समर्पित कैसे रह सकता है? क्या यह स्वाभाविक है कि किसी से प्यार करते हुए भी दूसरों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो? इसका सही तरीका क्या है या इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? देखिए, एक मानसिक समग्रता होती है, एक भावनात्मक समग्रता होती है, लेकिन एक शारीरिक समग्रता भी होती है। समग्रता का मतलब नैतिकता नहीं है। समग्रता का मतलब है कि आप एक ऐसी स्थिति बनाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर हो। तो जब हम समग्रता कहते हैं, मान लीजिए मैं कहूं मेरे शरीर में एक समग्रता है, इसका मतलब है कि यह मजबूत और बहुत सारी चीजों से रक्षा करती है ना। इसका यह मतलब नहीं कि मैं नैतिक रूप से किसी चीज में अटका हुआ हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप समग्रता शब्द को उस संदर्भ में समझें। हम समग्रता की बात इस जीवन की मजबूती के संदर्भ में कर रहे हैं। तो अगर ये बात है, क्या यह सच है? क्या आपको याद है कि आपकी परदादी 10 पीढ़ियों पहले कैसी दिखती थी? क्या आपको याद है? नहीं, मगर आपकी नाक उनसे मिलती है, हाँ या ना? शरीर याद रखता है ना? शरीर 10 लाख साल पहले के आपके पूर्वजों को याद रखता है, हाँ या ना? तो आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं वो याददाश्त का एक ढेर है, हाँ या ना? मेमोरी है या नहीं? देखिए, अब आप नेपाल से शिलोंग आए। आपने बहुत सारा मेघालय का खाना खाया। आपके नैन नक्श नहीं बदलेंगे क्योंकि आपका शरीर याद रखता है कि आपकी जेनेटिक्स क्या है, चाहे कुछ भी हो। या आप मान लीजिए गाय का भोजन या कुत्ते का भोजन खाना शुरू कर देते हैं, आपका शरीर कंफ्यूज होकर कुत्ता या गाय नहीं बन जाएगा क्योंकि इसमें विकास संबंधी याददाश्त है। आप चाहे जो भी करें यह कभी कंफ्यूज नहीं होता, है ना? आप सोचने लग जाएं मैं एक कुत्ता हूं और उसकी तरह भौंकने लगें फिर भी शरीर नहीं बदलेगा, हाँ या नहीं? मन से आप कर सकते हैं पर शरीर में याददाश्त बहुत गहराई में होती है। तो ये पूरा शरीर जो आपके पास है मुख्य रूप से मेमोरी की एक समग्रता है। अगर ये मेमोरी की समग्रता को खो देता है तो आप देखेंगे कि ये कई सारी चीजों के प्रति नाजुक हो जाएगा। अब शरीर की प्रकृति ऐसी है कि कुछ भी जो आप एक खास स्तर की भागीदारी के साथ छूते हैं स्वाभाविक रूप से उस मेमोरी को स्टोर कर लेगा। मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक रूप से वो उस मेमोरी को स्टोर कर लेगा। पारंपरिक रूप से इस संस्कृति में हम इसे ऋणानुबंधा कहते हैं। आपने ऐसे शब्द के बारे में सुना है? ऋणानुबंध, इसका मतलब है शारीरिक मेमोरी जो आप इकट्ठा करते हैं। लोग क्यों, आप लोगों के साथ ये देखेंगे, मान लीजिए अपने घर में वो जाकर उसी जगह बैठते हैं। ये आमतौर पर बूढ़े लोगों के साथ आप देखेंगे कि वो जाकर एक ही जगह बैठना चाहते हैं, वो दूसरी जगह नहीं बैठेंगे। क्या आपने गौर किया है? यहां तक कि आपका कुत्ता वो आता है, अगर वो यहां बैठना चाहता है तो वो इसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा और बहुत खोजबीन के बाद वो उस एक जगह पर बैठ जाएगा। अगली बार आप उसे कहीं भगा दें वो आएगा, वो जाकर उसी जगह बैठ जाएगा क्योंकि एक मेमोरी है। आजकल फोरेंसिक उपकरण है जिसमें आप अभी यहां बैठे हुए हैं, आप चले गए 2-3-8 घंटे बाद अगर वो आए, कुत्ते के साथ नहीं, कुत्ता आसानी से ये कर सकता है, मगर फोरेंसिक उपकरण के साथ हम यहां आते हैं और बस इस कुर्सी को चेक करते हैं और हम जान जाते हैं कि आप ही यहां बैठे हुए थे, कोई और नहीं। तो याददाश्त होती है, आप जहां भी बैठते, खड़े होते और जो भी छूते हैं उसमें याददाश्त होती है और हर समय आदान प्रदान होता है। आप नेपाल से आई हैं, भारत में भी ये काफी हद तक है, दक्षिण में बहुत मजबूती से है, उत्तर में ये शायद कमजोर पड़ गया है। हम लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नमक नहीं देते, आप ये जानते हैं? यहां भी अगर कोई आपको नमक देता है आप कहते हैं प्लीज उसे वहां रख दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेमोरी को बाकी चीजों से बेहतर संचारित करती हैं। नमक, तिल, नींबू, इसी तरह अगर आप देते हैं, पारंपरिक लोग कहेंगे उसे वहां रख दो मैं ले लूंगा,
क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ ऋणानुबंध विकसित हो। अब भारत में अगर आप लोगों की पुरानी पीढ़ी को देखें, अगर आप उनसे हाथ मिलाना चाहें, वो इस तरह करेंगे क्योंकि वो आपके साथ ऋणानुबंध नहीं चाहते, क्योंकि इसका मकसद आपके शरीर की मेमोरी की समग्रता को इस तरह रखना है कि वो दूसरी चीजों के प्रति संवेदनशील ना हो, कि आप बहुत जुड़ा हुआ जीवन बन जाएं। अगर आप खुद को एक संभावना के लिए विकसित करना चाहते हैं तो आपको याददाश्त की समग्रता को बरकरार रखना होगा। ऋणानुबंध का मतलब यही है, आप अपनी शारीरिक मेमोरी को कम से कम रखते हैं। शारीरिक संबंध ऐसी चीज है जिसमें बड़ी मात्रा में मेमोरी एक से दूसरे में ली जाती है। तो हमेशा इस समाज में नहीं, बाकी हर कहीं हमेशा से लोगों ने उस मेमोरी को कम से कम रखने के फायदे देखे। अगर आप उस मेमोरी को बहुत जटिल बना दें तो आप देखेंगे कि आराम से होना कुछ समय बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुख जरूर होगा मगर आपके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। आप लोगों पर ध्यान दे सकते हैं, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। आप लोगों को ध्यान से देखिए, उन्हें सुख मिलेगा, वो हर समय खिलखिलाते रहेंगे, मगर आप उन्हें गौर से देखिए, उनके अंदर कोई खुशी नहीं है, सहजता नहीं है, क्योंकि सहजता ज्यादा मेमोरी की वजह से चली जाएगी। ऐसा सिर्फ सेक्सुअलिटी के साथ ही नहीं, कई और चीजें हैं जो आप इस तरह करते हैं। राइट नाउ यू सी दिस वेरी मच इन द वेस्टर्न सोसाइटीज। अभी आप पश्चिमी समाजों में ये बहुत देखते हैं। जहां भी मैं जाता हूँ, खासकर अमेरिका में, लोग आएंगे, सदगुरु मेरा हक कहाँ है? मैं कहता हूँ वो आपके साथ होगा, वो मेरे पास क्यों होगा? ऐसा नहीं होता कि किसी खास पल आप किसी के करीब महसूस करते हैं तो आप उन्हें गले लगाते हैं। ऐसा है कि हर समय आपको लोगों को छूना है, क्योंकि आज के मनोवैज्ञानिक इन चीजों का विश्लेषण करके बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन में उनकी माँ और माता पिता ने उन्हें पर्याप्त नहीं छुआ। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो हर समय किसी न किसी को छूने के लिए तरसते रहते हैं। इन सभी चीजों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। कितना शारीरिक संपर्क हुआ जब बच्चा पैदा हुआ, ये तय करेगा कि वो बाद में कितने शारीरिक संपर्क की चाह करेंगे। और एक शिशु अपनी माँ से कितनी मेमोरी ग्रहण करता है उस समय, क्योंकि जब तक एक बच्चा 4.5 साल का नहीं हो जाता, कई रूपों में ऊर्जा की दृष्टि से वो एक अलग जीव नहीं है, वो अब भी माँ के शरीर से जुड़ा है। असल में अगर लोग प्रकृति के अनुसार चलें तो उस समय तक उन्हें माँ का दूध पीना चाहिए और 4.5 साल तक जुड़े रहना चाहिए। प्राकृतिक रूप से ऐसा ही था। तब ऊर्जा मच्योर नहीं होती, उस समय अधिक से अधिक मेमोरी जो आप अपनी माँ से पाते हैं ये और भी बेहतर होता है इसे मजबूत करने के लिए। मगर एक बार बच्चा बाहर जाने लगता है और एक अलग इंसान बन जाता है, जीवन खुद को व्यवस्थित करता है। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, सदगुरु क्या आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दे सकते हैं? सबसे पहले मैं पूछता हूँ क्या उम्र है। अगर वो कहते हैं 15, 16, 18, ठीक है। अगर वो 21 से ऊपर होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मेरा आपको आशीर्वाद देना, आशीर्वाद आपके बच्चे तक नहीं जाएगा। आप भावुक होकर सोच सकते हैं वो मेरा बच्चा है, मगर जहां तक जीवन का संबंध है वो पूरी तरह अलग हो चुका है। आमतौर पर जीवन की अवधि लगभग 84 साल या चंद्रमा के 1008 चक्रों के बराबर मानी जाती है। चंद्रमा के चक्र और हमारा शरीर सीधे सीधे जुड़े हैं, क्योंकि हमारी माओ के शरीर चंद्रमा के चक्रों के तालमेल में थे इसलिए हम पैदा हुए, वरना हम पैदा नहीं होते, है ना? हेलो। तो एक पूर्ण जीवन चंद्रमा के 1008 चक्रों के बराबर माना जाता है, जिसे लगभग 83 से 84 साल मानते हैं। तो अगर कोई 84 पार कर लेता है उसे एक पूर्ण जीवन माना जाता है। इसमें पहली तिमाही ही एकमात्र समय है जब वो अपने माँ बाप से जुड़ा होता है, उसके बाद बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की दृष्टि से आप उन दोनों जीवन को जोड़ नहीं सकते। तो उसी समय लालसा होती है। अगर आपने अपने अंदर जरूरी समग्रता नहीं बनाई है तो दूसरे शरीर की चाह बढ़ जाती है। हालांकि हॉर्मोन्स का समय 15 से 20 के बीच सबसे ज्यादा होता है, किसी के साथ जुड़ने की चाहत 21 साल की उम्र के बाद बढ़ती है, क्योंकि अनजाने में आप एक सैटेलाइट की तरह हैं जो मेन मदर से दूर हो गया। आप मदरबोर्ड से अलग हो गए। अब आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं जब तक कि आपको थोड़ी समग्रता ना मिल जाए। इसीलिए 12 से 18 साल के बीच शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत साधना करनी चाहिए।
ताकि आप बेतहाशा किसी चीज या किसी व्यक्ति से खुद को ना बांध लें। आपको जागरूकता में अगर आप एक साथी बनाना चाहते हैं तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो मजबूरी में होने वाली प्रक्रिया है फिर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। ये नैतिकता का सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पाप है वो पाप है। सवाल ये है कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता इस जीवन को एक उच्च संभावना तक पहुंचाना है तो आपको जागरूक होना चाहिए। अगर आप किसी तरह जीवन जीकर चले जाना चाहते हैं तो ठीक है। धन्यवाद सद्गुरु। माफ कीजिए अगर मैंने आपको निराश किया। आपने सिर्फ मेरे प्रश्न का जवाब दिया सद्गुरु, उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक और विषय जो काफी संवेदनशील है मगर उस पर बहुत चर्चा नहीं होती है, वह है अनौपचारिक रिश्ते जो इस सुंदर उम्र में होते हैं जिसमें हम हैं। अपने बारे में थोड़ी अच्छी बातें कहनी थी। आजकल लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं लेकिन इन रिश्तों में ज्यादा भावनाएं नहीं होती। हम इस विषय पर आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर लोग अपनी मर्जी से ऐसे रिश्ते बनाते हैं तो क्या ये सही है या ये क्या है? क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे चुटकुले पसंद हैं। एक मिसेस भाटिया थी। कोई भाटिया तो नहीं है, मैं नाम बदल सकता हूँ। एक मिसेस भाटिया थी जिनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। वर्षगांठ मनाने के बाद अगले दिन उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। जज ने तलाक की अर्जी देखी। वो एक अच्छी पारिवारिक मित्र भी थी तो उसने उन्हें बुलाकर पूछा, आप अपने पति को तलाक क्यों देना चाहती हैं? वो इतना प्यारा आदमी है, आप उसे तलाक क्यों देना चाहती हैं? आप किस आधार पर उसे तलाक दे रही हैं? वो बोली, वो मेरे साथ वफादार नहीं रहे, वो मुझे धोखा देते रहे हैं। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंची? आपने कल ही शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, कल तक तो आप ठीक थी, फिर क्या हो गया? मुझे बीते दिनों की बहुत याद आ रही थी तो मैंने फोटो एल्बम पलटना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मेरे 5 बच्चों में कोई भी उनके जैसा नहीं दिखता। देखिए, अभी क्या आपको याद है कि 10 पीढ़ी पहले आपकी दादी की दादी की दादी कैसी दिखती थी? नहीं, मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौजूद है, आपके शरीर को याद है, हाँ या ना? आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूर्वजों की त्वचा का रंग भी याद है, अभी तक वो भूला नहीं है। तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं वो यादों का एक बहुत बड़ा संग्रह है ना? आपके दिमाग में मौजूद याददाश्त बहुत कम है, आपके शरीर में मौजूद याददाश्त, उसमें क्रमिक विकास की यादें हैं, जेनेटिक यादें हैं, कर्म की यादें हैं, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादें हैं, ढेर सारी यादें हैं। आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर ने वो याददाश्त बनाई है। अगर आपका शरीर उसे भूल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। इतनी यादें, आप जो छोटी से छोटी चीज करते हैं, आप जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसे मुंह में डालना है कान में नहीं, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन आप यादों के कारण ही जानते हैं। तो आपका शरीर ढेर सारी यादों का भंडार है और वो हर समय यादें इकट्ठी करते रहता है। अगर आप यहां से यहां तक चलें तो 50 अलग अलग तरह की हल्की महके होंगी। हो सकता है कि आप उस पर ध्यान ना दें मगर शरीर उसे इकट्ठा भी करता है और पहचानता भी है, वो लगातार पहचानता रहता है। इसलिए आप जानते हैं कि सुगंध क्या है, दुर्गंध क्या है, ये इसकी गंध है। आप आवाज, गंध वगैरह के अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।
तो इस शारीरिक याददाश्त को इस संस्कृति में पारंपरिक तौर पर हम ऋणानुबंध कहते हैं, वो शारीरिक याददाश्त जो आप बनाते हैं। आप जागरूकता के साथ अपनी शारीरिक याददाश्त बना सकते हैं या बस ढेर सारी याददाश्त अंदर लेकर ढेर सारी शारीरिक उलझन से गुजर सकते हैं। तो जहां कहीं भी प्रभाव होता है, मुझे पता नहीं कि आपकी पीढ़ी में लोग अब भी ये चीजें जानते हैं या नहीं, मगर अब भी बैंगलोर में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अगर आप नमक देने की कोशिश करेंगे तो वे उसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे वहां रख दीजिए। अगर आप उन्हें तिल देने की कोशिश करें तो वो कहेंगे उसे वहां रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी याददाश्त को लेकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं अगर मैं वो चीज ले लूं। मुझे वो याददाश्त नहीं चाहिए। यही वजह है कि आमतौर पर इस संस्कृति में एक दूसरे को छूना, हाथ मिलाना, ऐसी चीजों से परहेज किया जाता है। हम अपनी ही दोनों हथेलियां मिलाकर नमस्कार करते हैं क्योंकि हम याददाश्त नहीं इकट्ठी करना चाहते, क्योंकि अगर मैं इसे बस छूता हूं तो ये इसे भी याद रखता है। आप अपने चार दोस्तों के साथ इसे आजमा कर देखें, आप उनके हाथों को छुएं, याद रखने की कोशिश ना करें, हर दिन बस उनके हाथ छुएं और भूल जाएं। कल अगर वो आकर आपको छूता है, आप जानते हैं कि ये उसका हाथ है ना? तो शरीर याद रखता है, ये दिमाग में नहीं है, शरीर की याददाश्त होती है, इसे ऋणानुबंध कहते हैं। जब यौन संबंध बनते हैं या ऐसी कोई अंतरंगता होती है जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हों, तो आपके शरीर में जो याददाश्त रह जाती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए कहा गया है कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जहां कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीजें होती हैं, वे सालों तक खुद को तैयार करते हैं ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए कि शरीर कहीं से कोई याददाश्त न उठा पाए। इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं। तो सवाल नैतिकता का नहीं है, सवाल ये है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं। इफ यू वॉन्ट टू बी इन सच अ वे दैट, अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धि सबसे प्रबल चीज हो, आपका भौतिक शरीर नहीं, तो आपको शरीर की याददाश्त को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। इसलिए सादा भोजन, लोग बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। अब भी मैं दिन में एक बार भोजन करता हूं और भोजन में सिर्फ एक चीज खाता हूं, 10 नहीं। मैं वो चीजें दूसरे दिन खा लूंगा, मगर आज मैं सिर्फ एक चीज खाऊंगा, क्योंकि काफी फर्क। आप आजमा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, खासकर जब आपकी परीक्षा का समय आता है, सादा भोजन कीजिए और देखिए कि उससे कितना फर्क पड़ता है, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आप कितना सतर्क रहते हैं, सब कुछ। तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं? आप खुद को एक सेक्सुअल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं या? और नो, आई एम सेइंग कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके ऊपर है, मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा। अगर आपने ये तय किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भारी मात्रा में यादें ना इकट्ठी करें, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शांत और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा, चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, क्योंकि शरीर में उलझन भरी यादें मौजूद हैं। जब इसी प्रकृति का कुछ और आता है तो शरीर में उलझन भरी उथल पुथल होने लगती है। शायद आपके दिमाग में यह ना आए, जस्ट फिजिकली, ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो ये चुनाव आपको करना है, ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये सवाल है समझदारी से जीने का। भोजन नहीं परमात्मा, अगर शरीर के सामने नहीं झुका और कहता चला गया भोजन नहीं परमात्मा, तो 4-6 दिन के भीतर शरीर भोजन की जगह परमात्मा को पुकारने लगेगा। ये रूपांतरण हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनर्जी जो भोजन को मांगती थी वो परमात्मा को मांगने लगी। इस तरह भोजन की तरफ जाते हुए संकल्प को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया गया, एक बड़ा रूपांतरण है। संकल्प शक्तियों के रूपांतरण का नाम है। जब चित्त मांगता है यौन, जब चित्त मांगता है दूसरे को, अपोजिट को, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, जब चित्त मांगता है कि दूसरे की तरफ बहो, सब बहाव का रूपांतरण करना पड़ेगा।
तब चित्त जिस ढंग से दूसरे को मांगता है उससे उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ेगी ताकि चित्त की ये मांग परमात्मा की मोक्ष की निर्वाण की मांग बन जाए। अब इसके लिए दो तीन बातें ख्याल में लेनी जरूरी हैं। जैसे ही चित्त मांगता है यौन की मांग करता है सेक्स की मांग करता है शरीर सेक्स की तैयारी करने लगता है। यौन केंद्र मूलाधार से दूसरे की मांग की स्फुरना शुरू हो जाती है। यौन केंद्र बहेगामी हो जाता है। इस क्षण में तंत्र कहता है अगर यौन केंद्र को अंतर्गामी किया जा सके भीतर की तरफ खींचा जा सके जिसे यौनी मुद्रा का नाम दिया है, अगर यौन केंद्र मूलाधार को भीतर की तरफ खींचा जा सके तो तत्काल आप दो क्षण में पाएंगे कि शरीर ने यौन की मांग बंद कर दी। लेकिन मांग पैदा हो गई थी, शक्ति जग गई थी और अब मांग बंद हो गई, इस शक्ति को ऊपर ले जाया जा सकता है। जैसे ही हम सेक्स का विचार करते हैं वैसे हमारा चित्त जननेंद्रिय की तरफ बहने लगता है, तो जननेंद्रिय को भीतर की ओर खींच लेते ही जननेंद्रिय से बाहर जाने वाले सब द्वार बंद हो जाते हैं और जो ऊर्जा जग गई है अगर उस क्षण में हम आंखों को बंद कर लें और इस तरह देखने लगे जैसे सिर की छत की तरफ भीतर देख रहे हो तो ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती। ये एक महीने भर के प्रयोग में अभूतपूर्व अनुभव में किसी भी व्यक्ति को उतार दिया जा सकता है। जब भी यौन का ख्याल उठे तभी यौन केंद्र को मूलाधार को भीतर की ओर खींच लें, आंख बंद करें और सिर की छत की तरफ अंदर से जैसे ऊपर देख रहे हो देखना शुरू कर दें और आप एक महीने भर के भीतर 21 दिन के भीतर पाएंगे कि आपके भीतर से कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई। ये वस्तुतः अनुभव होगा कि कोई चीज ऊपर बहने लगी, कोई चीज ऊपर उठने लगी, उसे कोई कुंडलनी का नाम कहता है, उसे कोई और कोई नाम दे सकता है। इसमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, एक तो सेक्स सेंटर पर मूलाधार पर और दूसरे सहस्त्रार पर। सहस्त्रार हमारा ऊपर का केंद्र है सबसे ऊपर और मूलाधार हमारा सबसे नीचे का केंद्र है। मूलाधार को सिकोड़ने भीतर की तरफ तो उसमें जो शक्ति पैदा हुई है वो शक्ति मार्ग खोज रही है और अपने चित्त को ले जाएं ऊपर की तरफ तो वही मार्ग खुला रह जाता है। चित्त जिस तरफ देखता है उसी तरफ शरीर की शक्तियां बहनी शुरू हो जाती। ये ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी सी विधि है और इसका अगर प्रयोग करें तो ब्रह्मचर्य बिना सप्रेशन के, ये सप्रेशन नहीं है, ये सब्लिमेशन है, ये दमन नहीं है। दमन का तो मतलब है ऊपर का द्वार नहीं खुला है और नीचे के द्वार पर रोके चले जा रहे हैं, तब उपद्रव होगा, तब विक्षिप्तता होगी, पागलपन होगा। अगर मार्ग भी है शक्ति के लिए तो दमन नहीं होगा, सिर्फ ऊर्ध्व गमन होगा, शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक प्रायोगिक बात मैंने आपसे कही, इसका प्रयोग करें और समझें। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, न कोई बौद्धिक शास्त्रीय बात है, ये करोड़ों लोगों के अनुभूत घटना है और सरलतम प्रयोग है, कठिन बहुत नहीं है। और एक बार मस्तिष्क के ऊपरी छोरों पर रस के फूल खिलने शुरू हो जाएं तो आपकी जिंदगी से यौन विदा होने लगेगा, वो धीरे धीरे खो जाएगा और एक नई ही ऊर्जा का, नई ही शक्ति का, एक नए ही वीरी का, एक नई दीप्ति का, एक नए आलोक का और एक नया ही संसार शुरू हो जाता है। फिजियोलॉजिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस जो शक्ति ऊपर उठेगी इसको अगर हम शरीर को काट कर देखें तो वो कहीं भी नहीं मिलेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। अगर हम हड्डियों को तोड़े फोड़े तो कहीं भी उसका सुराख नहीं मिलेगा, कहीं उसका कोई पता नहीं चलेगा। वो शारीरिक घटना नहीं है, वो घटना साइकिक, वो घटना मनस में घटती और शरीर के तल पर लेकिन अंतर पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस शक्ति के नीचे प्रवाहित होने पर शरीर के वीर कणों का भी प्रवाह बाहर की तरफ होता है। वो शक्ति नीचे नहीं बहेगी तो शरीर के वीर कण भी बाहर की ओर बहने बंद हो जाएंगे, शरीर भी संरक्षित होगा। लेकिन शरीर के संरक्षण के लिए ये प्रयोग नहीं है। शरीर किसी भी तरह संरक्षित हो या ना हो, शरीर की उम्र है और वो मरेगा,
वो सड़ेगा, वो जाएगा, उसके जन्म और मृत्यु के बीच एक फासला है उतना वो पूरा कर लेगा। बड़ी जो घटना घटेगी वो साइकिक एनर्जी की है, वो मनस ऊर्जा की है, और जितनी मनस ऊर्जा व्यक्ति के पास हो उतना ही व्यक्ति का विस्तार होने लगता है, उतना ही वो फैलने लगता है, उतना ही वो विराट होने लगता है। और जिस दिन एक कण भी व्यक्ति की मनुष्य ऊर्जा का नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होता, उसी दिन व्यक्ति घोषणा कर सकता है अहम ब्रह्मास्मि, वो कह सकता है मैं ब्रह्म हूं। ये अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कोई तार्किक निष्पत्ति, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल कंक्लूजन है, ये एक अस्तित्वगत अनुभव है। जिस दिन विराट से संबंध होता है उस दिन पता चलता है कि मैं व्यक्ति नहीं विराट, लेकिन ये विराट का अनुभव विराट शक्ति के संरक्षण से हो सकता है, और इस शक्ति का संरक्षण जब तक काम ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित न हो तब तक असंभव है। आचार्य श्री, आपने कहा है कि वर्तमान में पल पल जीने से सेक्स एनर्जी, यौन ऊर्जा का संचय व ऊर्ध्वगमन होने लगता है, तथा अतीत व भविष्य के चिंतन से ऊर्जा का विनाश व अधोगमन होने लगता है। इन दोनों बातों में क्या क्या प्रक्रिया घटित होती है उसका विज्ञान स्पष्ट करें। जीवन है अभी और यहीं, जीवन है क्षण क्षण में, जीवन है पल पल में, लेकिन मनुष्य का चित्त सोचता है पीछे की, मनुष्य का चित्त सोचता है आगे की। और ये जो चित्त का चिंतन है जब काम से संबंधित होता है तो मनुष्य का चित्त सोचता है उन काम संबंधों के संबंध में, उन यौन अनुभवों के संबंध में जो पीछे घटित हुए, और उन यौन संबंधों की कल्पना करता है जो आगे घटित होंगे, हो सकते हैं, होने की आकांक्षा है। और जब चित्त इस तरह के चिंतन में खो जाता है पीछे और आगे, तो शारीरिक वीरीकरण तो नष्ट नहीं होते, लेकिन जिस यौन ऊर्जा की, जिस काम ऊर्जा की, जिस साइकिक एनर्जी की मैंने बात कही, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती। शरीर के वीरीकरण तो वास्तविक संभोग में नष्ट होंगे, लेकिन मन की ऊर्जा चिंतन में ही नष्ट होने लगती है। इसलिए भाव से भी जो काम का चिंतन करता है वो अपनी ऊर्जा को अधोगामी करता है, भाव से भी, विचार से भी, उसने एक रत्ती भर शक्ति शरीर की नहीं खोई, सिर्फ सोच रहा है उन संभोगों के संबंध में जो उसने किए या उन संभोगों के संबंध में जो वो करेगा, सिर्फ चिंतन कर रहा है। इतना चिंतन भी काफी है मन की ऊर्जा के विनाश के लिए, मन की ऊर्जा तो विनष्ट होनी शुरू हो जाएगी। और मन की ये ऊर्जा ही असली ऊर्जा है, संभोग से तो सिर्फ शरीर के ही कुछ कण खोते, लेकिन मन के संभोग से, इस मेंटल सेक्स से, इस मानसिक यौन से मन की विराट ऊर्जा नष्ट होती। शरीर तो आज नहीं कल पूरा ही नष्ट हो जाएगा, शरीर उतना चिंतनी नहीं, क्योंकि मन की जो ऊर्जा है वो अगले जन्म में भी आपके साथ होगी। उस ऊर्जा का ही असली सवाल है। इसलिए जब मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति पल पल जीता है, न पीछे की सोचता न आगे की सोचता काम के संबंध में, तो वो पीछे की भी नहीं सोचता, आगे की भी नहीं सोचता, पल पल जीता है, उसकी मानसिक ऊर्जा के विसर्जन का कोई उपाय नहीं रह जाता। और भी एक मजे की बात है, जो आदमी अतीत का चिंतन कम करता है, भविष्य की चिंता कम करता है, जो सामने होता है उसी को करता है, उसी में पूरा डूब कर जीता है, उसकी जिंदगी में तनाव टेंशन कम हो जाते हैं। और जितना तनाव कम हो उतनी सेक्स की जरूरत कम हो जाती है, जितना तनाव ज्यादा हो उतनी सेक्स की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि सेक्स
रिलीफ का काम करने लगता है, वो तनाव के बिखेरने का काम करने लगता है। इसलिए जितना चिंतित आदमी है उतना कामुक हो जाएगा, और जितना चिंतित समाज है उतना कामुक हो जाएगा। जैसे आज यूरोप या अमरीका अत्यधिक चिंतित है तो जीवन सारा काम से भर जाएगा। जितना निश्चिंत व्यक्ति है उतनी काम की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि तनाव इतने इकट्ठे नहीं होते कि शरीर से शक्ति को फेंक के उन्हें हल्का करना पड़े। अतीत और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता तनावग्रस्त करती है, टेंशन पैदा करती है। वर्तमान में जिए जाना तनाव मुक्त करता है। जो आदमी अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा ही खोद रहा है। जो आदमी खाना खा रहा है, खाना ही खा रहा है। जो आदमी सोने गया है तो सोने ही गया है। दफ्तर में है तो दफ्तर में है, घर में है तो घर में है। जिससे मिल रहा है उससे मिल रहा है, जिससे बिछुड़ गया उससे बिछुड़ गया। जो आदमी आगे पीछे बहुत समेट के नहीं चलता है, उसके चित्त पर इतने कम भार होते हैं कि उसकी काम की जरूरत निरंतर कम हो जाती। तो दो कारणों से मैंने ऐसा कहा, एक तो चिंतन करने से काम के मानसिक काम ऊर्जा विनष्ट होती है, दूसरा अतीत और भविष्य की कामनाओं में डूबे होने से तनाव इकट्ठे होते हैं। जब तनाव ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, तो शरीर को अनिवार्य रूप से अपनी शक्ति कम करनी पड़ती है। शक्ति कम करके जो शिथिलता अनुभव होती है, उस शिथिलता में विश्राम मालूम पड़ता है। शिथिलता को हम विश्राम समझे हुए हैं, थक के गिर जाते हैं तो सोचते हैं आराम हुआ, थक के टूट जाते हैं तो लगता है अब सो जाएं, अब चिंता नहीं रही। चिंता के लिए भी शक्ति चाहिए, लेकिन चिंता ऐसी शक्ति है जो भंवर बन गई और जो पीड़ा देने लगी। अब उस शक्ति को बाहर फेंक देना पड़ेगा। उस शक्ति को बाहर हम निरंतर फेंक रहे हैं, और हमारे पास शक्ति को बाहर फेंकने का एक ही उपाय दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाने का तो हमारे मन में कोई ख्याल नहीं, नीचे ही जाने का एकमात्र बंधा हुआ मार्ग है। इसलिए जो व्यक्ति चिंता नहीं करता, अतीत की स्मृतियों में नहीं डूबा रहता, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं डूबा रहता, जीता है अभी और यही वर्तमान में। इसका यह मतलब नहीं कि आप कल सुबह ट्रेन से जाना हो तो आज टिकट नहीं खरीदेंगे, लेकिन कल की टिकट खरीदनी आज का ही काम है। लेकिन आज ही कल की गाड़ी में सवार हो जाना खतरनाक है, और आज ही बैठ के कल की गाड़ी पर क्या क्या मुसीबतें होंगी और कल की गाड़ी में बैठ के क्या क्या होने वाला है, इस सब के चिंतन में खो जाना खतरनाक है। नहीं, यौन इतना बुरा नहीं है जितना यौन का चिंतन बुरा है। यौन तो सहज प्राकृतिक घटना भी हो सकती, लेकिन उसका चिंतन बड़ी अप्राकृतिक और परवर्षन, वो विकृति। एक आदमी सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, योजनाएं बना रहा है, 24 घंटे सोच रहा है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है, होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों के अनुभव के बाद ये पता चलता है कि आदमी मानसिक यौन में इतना रस लेने लगता है कि वास्तविक यौन में तो उसे रस ही नहीं आता, फिर वो फीका मालूम पड़ता है। चित्त में ही जो यौन चलता है वही ज्यादा रसपूर्ण और रंगीन मालूम होने लगता है। चित्त में यौन की इस तरह से व्यवस्था हो जाए तो हमारे भीतर कंफ्यूजन पैदा होता है। चित्त का काम नहीं है यौन। गुरुजीएफ कहा करता था कि जो लोग यौन के केंद्र का काम चित्त के केंद्र से करने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती होगी ही, क्योंकि उन दोनों के काम अलग है। अगर कोई आदमी कान से भोजन करने की कोशिश करने लगे तो कान तो खराब होगा ही, वो भोजन भी नहीं पहुंचेगा, दोनों ही उपद्रव हो जाएंगे। व्यक्ति के शरीर में हर चीज का सेंटर है, चित्त काम का सेंटर नहीं है। काम का सेंटर मूलाधार है, मूलाधार को अपना काम करने दें अभी, लेकिन चित्त को, चेतना को उस काम में मत लगाएं, अन्यथा चेतना उस काम से ग्रस्त ऑब्सेस्ड हो जाएगी। आदमी ऑब्सेस्ड दिखाई पड़ता है, नंगी तस्वीरें देख रहा है बैठ के। अब मूलाधार को नंगी तस्वीरों से कोई भी संबंध नहीं, उसके पास आंख भी नहीं। आदमी नंगी तस्वीरें देख रहा है, ये मन से देख रहा है और मन में तस्वीरों का विचार कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, रंगीन चित्र बना रहा है। ये सब के सब मिलके
उसके भीतर सेंटर्स का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मूलाधार का काम चित्त करने लगेगा और मूलाधार तो चित्त का काम नहीं कर सकता है। बुद्धि भ्रष्ट होगी, चित्त भ्रमित होगा, विक्षिप्त होगा। पागलखानों में जितने लोग बंद हैं, उनमें से 90% लोग चित्त से यौन का काम लेने के कारण पागल है। पागलखानों के बाहर भी जितने लोग पागल हैं, अगर उनके पागलपन का हम पता लगाने जाएं, तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी 90% यौन ही कारण है। उनकी कविताएं पढ़ें तो यौन, उनकी तस्वीरें देखें तो यौन, उनकी पेंटिंग देखें तो यौन, उनका उपन्यास देखें तो यौन, उनकी फिल्म देखने जाए तो यौन, उनका सब कुछ यौन से गिर गया है। ऑब्सेशन है ये पागलपन है। अगर पशुओं को भी हमारे संबंध में पता होगा तो वो भी हमसे हंसते होंगे कि आदमी को क्या हो गया है। अगर हमारी कविताएं वो पढ़े, भला कालिदास की हो, तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन कविताओं की जरूरत क्या है, इनका अर्थ क्या है। वे हमारे चित्र देखें चाहे पिकासो के हों, तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन चित्रों का मतलब क्या है। ये स्त्रियों के स्तनों को इतना चित्रित करने की कौन सी आवश्यकता है, क्या प्रयोजन। आदमी जरूर कहीं पागल हो गया है। पागल इसलिए हो गया है कि जो काम मूलाधार का है, सेक्स सेंटर का है, वो इंटेलेक्ट से ले रहा है। इसलिए इंटेलेक्ट से जो काम लिया जा सकता था, उसका तो समय नहीं बचता है। बुद्धि परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकती है, लेकिन वो मूलाधार का काम कर रही है। चेतना परम जीवन का अनुभव कर सकती है, लेकिन चेतना सिर्फ फैंटेसीज में जी रही है, सेक्सुअल फैंटेसीज में जी रही, वो सिर्फ यौन के चित्रों में भटक रही। इसलिए मैंने कहा, अतीत का मत सोचे, भविष्य का मत सोचे, यौन के संबंध में तो बिल्कुल ही नहीं, अभी जिए। और जितना यौन पल में आ जाता हो उसे आने दें, घबराएं मत, लेकिन उस यौन के समय भी जो मैंने ऊर्ध्वगमन की यात्रा की बात कही, अगर उसका थोड़ा स्मरण करें तो बहुत शीघ्र शक्ति का ऊपर प्रवाह शुरू हो जाता है। और धन्यता जैसी उस प्रवाह में अनुभव होती है, वैसी जीवन में और कभी अनुभव नहीं होती। आचार्य श्री, आपने कहा है कि यदि कोई भी क्रिया पूरी टोटल हो तो ऊर्जा खोई नहीं जाती। कृपया बताएं कि टोटल एक्शन का आप क्या अर्थ लेते हैं, और यह भी बताएं कि संभोग की प्रक्रिया में टोटल यानी पूर्ण होने का क्या अर्थ है, क्या उसमें ऊर्जा के क्षय न होने का अर्थ है क्या? कर्म पूर्ण हो, कृत्य पूरा हो, तो ऊर्जा क्षीण नहीं होती। कोई भी कर्म पूरा हो तो ऊर्जा क्षीण नहीं होती है। जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा अर्थ है, कृत्य अधूरा तब होता है जब हम अपने भीतर खंडित और विभाजित और कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। जब मैं अपने भीतर ही टूटा हुआ होता हूं तो कृत्य अधूरा होता है। समझें कि आप मुझे मिले और मैंने आपको गले लगा लिया। अगर इस गले लगाते वक्त मेरे मन का एक खंड कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, मत करो, और एक खंड कह रहा है कि करूंगा, बहुत ठीक, तो मेरे भीतर मैं दो हिस्सों में बटा हूं और लड़ रहा हूं। आधे हिस्से से मैं गले लगाऊंगा और आधे हिस्से से गले से दूर हटने की कोशिश में लगा रहूंगा। मैं एक ही साथ दो काम कर रहा हूं विरोधी। इन विरोधी कामों में मेरे भीतर की मनस ऊर्जा क्षीण होगी। लेकिन अगर मैंने पूरा ही हृदय से किसी को लगा लिया है और मेरे हृदय में कहीं भी कोई विरोधी स्वर नहीं है, तो ऊर्जा के नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं है। बल्कि ये पूर्ण आलिंगन मुझे और भी ऊर्जा से भर जाएगा, मुझे और भी आनंद से भर जाएगा। शक्ति क्षीण होती है कॉन्फ्लिक्ट में, इनर कॉन्फ्लिक्ट में। भीतरी अंतर्द्वंद शक्ति के क्षीण होने का आधार है। कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, अगर भीतर विरोध है तो शक्ति क्षीण होगी, क्योंकि आप अपने भीतर ही लड़ रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे मैं एक मकान बनाऊं, एक हाथ से ईंट रखूं और दूसरे से उतारता चला जाऊं, तो शक्ति तो नष्ट होगी और मकान कभी बनेगा नहीं। हम सब स्वविरोधी खंडों में बटे, हम जो भी कर रहे हैं उसके बाहर भी हमारे विरोध में कोई चीज खड़ी है। अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसे घृणा भी कर रहे हैं।
अगर हम किसी से मित्रता बना रहे हैं तो शत्रुता भी बना रहे हैं। अगर किसी के पैर छू रहे हैं तो दूसरे कोने से उसके अनादर का इंतजाम भी कर रहे हैं। हम पूरे समय दोहरे काम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक आदमी धीरे धीरे दिवालिया हो जाता है, उसकी भीतर की शक्ति बैंकरप्ट हो जाती है, वो खुद ही अपने से लड़के मर जाता है। देखें अपनी तरफ, भीतर देखें तो आपको ख्याल में बात आ जाएगी। जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप पूरे उसमें हैं, तो आप सदा ही और भी ताजे और भी शक्तिशाली होकर उस काम से बाहर आएंगे। और अगर आप अधूरे उस काम में हैं तो आप थक के चकनाचूर होकर टूट कर बाहर आएंगे कोई भी काम। इसलिए जो लोग भी किसी काम को पूरा कर पाते, एक चित्रकार है, अगर वो अपने चित्र को रंगने में बनाने में पूरा लग जाता है तो कभी भी थकता नहीं है, वो पूरा का पूरा और भी आनंदित और भी रिफ्रेश्ड और भी ताजा होकर वापस लौट आता है। लेकिन इसी चित्रकार को आप नौकरी पे रख ले और कहें कि हम रुपए देंगे और चित्र बनाओ, बस तब वो थक के लौट आता है क्योंकि उसका पूरा मन उस चित्र के साथ खड़ा नहीं हो पाता। जैसे ही हमारा मन का कोई हिस्सा हमारे विरोध में हो जाता है, हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो जब मैंने कहा टोटल एक्ट, तो किसी एक काम के लिए नहीं, सारे कामों के लिए। जो भी आप कर रहे हैं, अगर भोजन करने जैसा या स्नान करने जैसा साधारण काम कर रहे हैं तो भी पूरा करें। स्नान करते वक्त स्नान करना ही अकेला कृत्य हो, न तो मन कुछ और सोचे न मन कुछ और करे, आप पूरे के पूरे स्नान ही कर लें। तो शरीर ही स्नान नहीं करेगा, आत्मा भी स्नान कर जाएगी। आप स्नान के बाहर पाएंगे कि आप कुछ लेकर लौटे, लेकिन नहीं, स्नान आप कर रहे हैं और हो सकता है पैर आपके अब तक सड़क पर पहुंच गए और मन आपका अब तक दफ्तर में पहुंच गया हो और आप भागे हुए। स्नान का कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, वो स्नान भी एक टूटा हुआ कृत्य है, कहीं पानी डाला है और भागे। इस भागने में आप शक्ति को खो रहे हैं और ऐसा प्रतिपल हो रहा है, 24 घंटे यही हो रहा है। बिस्तर पर सोए हैं लेकिन सोए नहीं है, क्योंकि सोने का एक्ट पूरा होगा तभी सुबह विश्राम होगा। सो रहे हैं सपने देख रहे हैं, सो रहे हैं सोच रहे हैं, सो रहे हैं करवट बदल रहे हैं, हजार विचार हैं, हजार काम हैं। आज दिन में क्या किया वो भी साथ है, कल सुबह क्या करना है वो भी साथ है। तब सुबह आप और भी थक कर चकनाचूर बिस्तर से उठते, नींद भी आपको विश्राम न दे पाएगी क्योंकि नींद में भी आप पूरे नहीं हो पाते कि सो ही जाएं, नींद में भी अधूरे ही होते हैं। इसलिए नींद उखड़ती जा रही, नींद कम होती जा रही। सारी दुनिया में बड़े से बड़े सवालों में एक वो भी है कि नींद का क्या होगा, नींद खत्म होती जा रही। नींद खत्म होगी क्योंकि नींद कहती है पूरे सो तो ही सो सकते हो, लेकिन 24 घंटे हम टूटे हुए हैं और जब सब कामों में टूटे हुए हैं तो नींद में इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। रात तो हमारे दिन भर का जोड़ है, जैसे हम दिन भर रहे हैं वैसे ही हम रात नींद में भी होंगे। और ध्यान रहे, जैसे हम रात नींद में होंगे कल का दिन भी उसी आधार पर फैलेगा और विकसित होगा, फिर जिंदगी पूरी टूट जाती है। न तो हम ठीक से जी पाते, जीते वक्त भी हजार तरह के लोग हैं। एक मित्र को मेरे पास अभी लाया गया, उनको जो लोग लाए थे उन्होंने कहा कि ये 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। मैंने कहा बड़े गजब के आदमी, प्रयास भी अधूरा करते हैं मालूम होता, 5 बार। और जो आदमी 5 बार